इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम लोग देखते हैं बोज्जी और डायडा के बचपन को। दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनकी मॉम यानी कि हीलिंग डायडा से कहती है कि बोज्जी काफी वीक है, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उसे यानी कि डायडा को स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और डायडा काफी खुशी से ये बात मान जाता है। हमें पता चलता है कि वो मिरर बोज्जी ने दिया था और उसे पाकर डायडा काफी खुश था। और वो मिरर उसे यानी कि डायडा को काफी सारी एडवाइस दिया करता था ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। वो मिरर उसे एक बार कहती है कि उसे ही राजा बनना चाहिए और वो राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। जिसके बाद कि डायडा बोज्जी को काफी नीची नजर से देखने लगता है कि बोज्जी काफी वीक है, इसीलिए किंग तो उसे बनना चाहिए। एक बार जब डोमैस और बोज्जी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी ये बात वो बेबिन को कहता है कि बोज्जी काफी वीक है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इसीलिए वो यानी कि बेबिन उसे उनके सिटी में लेकर जाता है। और वहां पर वो उसे एक आदमी दिखाता है जो कि बोज्जी की तरह बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, पर साथ ही साथ वो देख भी नहीं सकता। और उसे देखकर डायडा कहता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, अगर मैं इनकी जगह पर होता तो अब तक खुद को मार चुका होता। बेबिन कहता है कि उस हिसाब से तो वो आदमी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इतने बुरे सिचुएशन में भी उसने हार नहीं मानी और अपने लाइफ जी रहा है। इस आदमी को इसीलिए जीने की उम्मीद है क्योंकि उनका राजा स्ट्रांग है और वो जानता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और इस टाउन को भी। इसीलिए वो डायडा को कहता है कि कल चल के अगर तुम राजा बनते हो तो तुम्हें कमजोरों को उम्मीद देनी है, ना कि उनसे उम्मीद छीननी है। और इस इम्पोर्टेंट लेसन के बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर कि वो फंसा हुआ था। डायडा उस पुराने मोमेंट को याद करके कहता है कि मैं बेवकूफ था, और जिसके बाद की उसकी नज़र पड़ती है एक बच्चे पर और वो एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। डायडा उसे कई सारे सवाल पूछता है, जैसे कि वो यहाँ पर कैसे आई और क्या उसे पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, पर वो लड़की उसकी बातें नहीं सुनती और वो रोती रहती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और जिसके बाद कि सडनली डायडा देखता है कि उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग उस लड़की को यानी उस छोटी बच्ची को कोस रहे होते हैं उसके बुरे कामों के लिए जो कि उसने किए थे। जिसके बाद कि वो लड़की भागने की कोशिश करती है पर उसका मास्क गिर जाता है और वो दूसरे लोग हंसने लगते हैं। डायडा उसका मास्क उठाकर उसे देता है और वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है और उस लड़की के हाथ भी नहीं होते हैं। डायडा कहता है कि क्या तुम मॉन्स्टर हो, वो लड़की मना करती है और वो कहती है कि नहीं, वो मॉन्स्टर नहीं है। जिसके बाद कि वो बाकी सब लोग कहते हैं कि उसके चेहरे का वो हाल उन्होंने किया है, उन्होंने उसके चेहरे से उसके स्किन को निकाल दिया है और साथ ही उन्होंने उसके हाथों को भी काट दिया ताकि वो लड़ ना सके। और ये सुनने के बाद डायडा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन लोगों को मारने लगता है, पर तभी वहाँ पर और कई सारे लोग आ जाते हैं और डायडा कहता है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद कि डायडा उसे अपने नाम बताता है और उसका नाम पूछता है, वो कहती है कि उसका नाम है मिरांजो। और उसके बाद कि वो लड़की उसे पूछती है कि क्या वो किंग बोज्जी को जानता है, क्योंकि उसकी बॉडी से उसकी स्मेल आ रही है। वो कहता है कि हाँ, वो उसका बेटा है। मिरांजो कहती है कि वो जिस बोज्जी को जानती है उसका कोई बेटा नहीं है, शायद वो कोई दूसरा आदमी होगा। जिसके बाद कि वो लड़की उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है। डायडा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो जिससे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगा, और वो उसे कहता है कि वैसे भी मेरी मॉम मुझे यहाँ से निकालने वाली ही है और जब मैं बाहर निकलूँगा तो तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। और सीन चेंज होता है और हम लोग मिरर को देखते हैं और वो अंडरवर्ल्ड किंगडम में होती है। वो पोर्टल के हेल्प से किसी जगह के अंदर जाते हैं और हम दूसरी ओर किंग डेसा को देखते हैं और वो अपना काम कर रहा होता है, पर तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो जेल की तरफ जाने लगता है। वहाँ एक सेल के अंदर जाता है। एक्चुअल में वो सेल उसी आदमी का होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मतलब वो आदमी जो कि एक चूहे को मारकर खा रहा था। वो देखता है कि वो उस सेल से फरार हो चुका है और वो गार्ड कहता है कि उसकी गलती है कि वो कैदी वहाँ से फरार हो गया। दिशा कहता है कि नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ से भगाने के लिए पोर्टल की हेल्प ली गई है, यानी कि किसी बाहर के आदमी ने उसकी भागने में मदद करी है। और किंग दिशा उस आदमी के बारे में बताता है
यानी उस कैदी के बारे में जो कि वहां से फरार हुआ है। वो बताता है कि जो आदमी उस सेल में था एक्चुअल में उसका नाम ओकेन है, जो कि अंडरवर्ल्ड के आर्मी का कमांडर था, और साथ ही कि वो काफी खतरनाक स्वॉर्ट्समैन है और उसे काफी सारे मिस्टीरियस स्वॉर्ट टेक्निक के बारे में भी पता है, और अगर वो सरफेस पर चला गया तो काफी मुसीबत आ जाएगी, और इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि कैप्टन को बुलाने के लिए। जिसके बाद क्या हम लोग डोमैस और हाकुरो को देखते हैं और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और डोमैस ने एक प्रोस्थेटिक हैंड लगाया होता है जो कि उसके लिए काफी सही काम कर रहा होता है। हाकुरो को ट्रेनिंग में काफी दिक्कत हो रही होती है और उसे लगता है कि डोमैस काफी बुरा टीचर है, और इसीलिए वो सोचता है कि वो उसे अपने तरह से ट्रेनिंग करना होगा। डोमैस हाकुरो को कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करनी है ताकि हम लोग कैसल के नीचे जाकर उस गेट को बंद कर सकें। हाकुरो डोमैस को पूछता है कि क्या किंग बोस्से ने कुछ और भी कहा था। डोमैस कहता है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि किंग बोस्से किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम लोग अपीस को देखते हैं, डोर पर पहरा दे रहा होता है और वो उसके पास्ट के बारे में सोचता है जब वो मिरांजो से मिला था, और वो उस वक्त काफी कायर था, और मिरांजो उसे कहती है कि उसमें काफी पोटेंशियल है, वो उसे अनलॉक कर सकता है, पर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, और वो उसे कहती है कि वो उसे काफी पसंद करती है क्योंकि वो दूसरों के इमोशंस की काफी कद्र करता है और वो इमोशनली काफी सेंसिटिव है। जिसके बाद की मिरर उस गेट से बाहर आती है और अपीस कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। हम अंडरवर्ल्ड में देखते हैं कि किंग डेसा अपने सोल्जर्स और कैप्टन को कहता है कि उनके जेल में से कुछ कैदी फरार हो गए हैं और वो सभी अब किंग बोस्से के किंगडम में पहुंच चुके हैं और उन्हें उन सभी को कैप्चर करना है, और साथ ही वो उन्हें कहता है कि जो कि किंग बोस्से के किंगडम में हालात ठीक नहीं है तो यही सही मौका है उनके किंगडम पर कब्जा करने का। दूसरी ओर हम लोग बोजी डेस्पा और कागे को देखते हैं। कागे और बोजी डेस्पा को थैंक्स कहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो लोग अब वापस किंगडम जा रहे होते हैं। डेस्पा कहता है कि टेंशन मत लो बोजी, हम वापस जरूर मिलेंगे, और वो उसे खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। वो लोग वहां से निकल के जा रहे होते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स वहां पर उन्हें मिल जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो लोग उनके किंगडम की तरफ ही जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग उनके साथ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त बोजी उन्हें पूछता है कि क्या हुआ है उनके किंगडम में। उनका कैप्टन कहता है कि जेल में से उनके कुछ 6 कैदी फरार हो गए हैं और अभी वो उनके किंगडम में हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो उन्हें बताता है कि वो काफी खतरनाक है। उनका नाम होता है ब्लैक द ब्रुनेट, जो कि हिटमैन होता है, दूसरा रेड द कॉपरहेड, तीसरा जिसका नाम होता है गिगैन, जो कि काफी स्ट्रांग होता है और उसकी स्टील जैसी बॉडी होती है, चौथा होता है जोकू, जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर का लीडर होता है, और पांचवा है किंग बो, जो कि डेस्पा के पहले वहां का राजा था, और फिर ओकेन जो कि उनके आर्मी का कमांडर था, और वो लोग उसे स्वॉर्ड किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। बोजी को अपने मॉम यानी कि हिलिंग की काफी फिक्र हो रही होती है। काके कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और वो कहता है कि तुम डेस्पा आर्ट की हेल्प से उन लोगों से लड़ सकते हो बोजी, और वो कैप्टन को और तेजी से उनके किंगडम की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और हम लोग हिलिंग को देखते हैं और वो कुछ सोल्जर्स के साथ और डोरिस के साथ किंग बोस्से के किंगडम में वापस बढ़ रही होती है ताकि वो डायडा की मदद कर सके वहां से उसे निकलने में। पर तभी किंगडम में से कुछ सोल्जर्स भागकर उनकी तरफ आते हैं। डोरिस उन्हें पूछता है कि क्या हुआ है, क्योंकि वो सोल्जर्स काफी घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो सोल्जर्स कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के 6 कैदियों ने किंग बोस्से पर सडनली अटैक करके उन्हें कैप्चर कर लिया है। ये सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं और वो और क्वीन हिलिंग कैसल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, और ये सब मिरर देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके?